नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देव गुरु 20 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे, जो शनि की राशि है। मकर राशि में शनि पहले से विराजित हैं। मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं और देव गुरु का यह गोचर फल आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, ये जानना बहुत आवश्यक है। और 2021 तक ये स्थिति बनी रहेगी, तो एक लंबा समय है। जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होता है तो वो बढ़िया फल देता है, लेकिन अब गुरु नीच राशि में है तो कुछ ना कुछ तो कमी आ सकती है। लेकिन एक बात और भी है, देव गुरु बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है, अच्छे ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो अच्छा इंसान बुरे घर में या बुरे ग्रह के साथ भी जाकर अपनी अच्छाई को नहीं भूलता है। तो आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि गुरु नीच के हो गए, शनि के साथ हो गए तो बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम मिलेंगे, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी मिलेंगी। भारतीय ज्योतिष में गुरु को शुभ व प्रधान ग्रह माना गया है, जो शिक्षा, विवाह, संतान, सुख, धन, मान सम्मान, ज्योतिष, धर्म, कर्म, यात्राएं, इन सब के लिए विचारणीय है। सुख का कारक ग्रह है, धन का कारक ग्रह है देव गुरु बृहस्पति। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में गुरु का प्रभाव रहता है। अब आपकी राशि पर ये क्या प्रभाव देंगे, इसको हमें जानना है। और ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं पता है तो फिर नाम राशि से देखकर लाभ उठाएं। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, जो आप जन्म के समय की आपकी जो कुंडली है उसमें देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कितनी मजबूत है, कितने शुभ हैं, कितने बला बल के साथ बैठे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपको वर्तमान के गोचर का कितना फल मिलेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ गोचर से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार किसी मकान की जो नींव होती है अगर वो मजबूत हो तो फिर उसके ऊपर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिल्डिंग खड़े कर सकते हैं। अगर नींव कमज़ोर है तो फिर सब कुछ गिर जाएगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो जन्म कुंडली है वो आपके मकान की या किसी भी चीज़ की नींव है, और गोचर जो है वो ऊपर उसके ऊपर बनने वाली मंजिलें हैं। एक मंजिल, दो मंजिल, ऐसे बनते जाएंगे, कभी तोड़ेंगे, कभी फोड़ेंगे, कभी नया बनाएंगे, लेकिन नींव को बार बार बदला नहीं जाता है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर उपाय वगैरह करने पड़ेंगे। तो कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए जीवन में क्या परिवर्तन आएगा देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन का, ये जानते हैं। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फल कारक रहेंगे। आपके अंदर बोलने की अद्भुत कला होगी, आप वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे, या कहें सभी को अपना दीवाना भी बना सकते हैं या सकती हैं। किसी भी परेशानी में आप क्यों ना हो, लाख तूफान क्यों ना आए, आप घबराएंगे नहीं, आप अपनी मंजिल, अपनी सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि तूफान में दिया जलाने वाली बात, तो आप तूफान में दिए को जलाकर रख पाएंगे, आप अपना आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, भले लाख तकलीफ आए। धन कमाएंगे, बचाएंगे और ज़रूरत के खर्चे भी करेंगे या करेंगी। आपके कष्टदायी वक्त को बेहतर करने आ रहे हैं गुरुदेव। समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, कम जरूर हो जाएंगी। गुरुदेव परेशानियों को कम करने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब आपके काम जो लटक रहे थे, विलंब हो रहा था, जो 10-10 दिन तक काम नहीं हो रहे थे, वो 2-4 दिन में पूरे हो जाएंगे। मेहनत करते जाइए। गुरु का केंद्र त्रिकोण योग बनेगा, आप भाग्य की बढ़ोतरी को देखेंगे, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, धन लाभ होगा, आप अपनी छवि सुधारने में कामयाब होंगे। आपकी अगर आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाया है, आपकी छवि बिगड़ी हुई थी, तो अब आपकी छवि साफ हो जाएगी। प्रेम संबंधों में जो तकलीफें थी वो भी अब धीरे धीरे कम होंगी, प्यार और बढ़ेगा दो लोगों के बीच में। विवाह के योग भी बनेंगे, विवाह के योग की सुखद संभावनाएं अब जो है वो आपको बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। विवाहित जोड़ों को संतान सुख भी प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, कोई लव अफेयर वगैरह भी चल सकता है।
अब आपके मन की सभी इच्छाएं लगभग लगभग पूरी होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी कि मन की इच्छाओं को पूरी होने के राह पर आप बढ़ चलेंगे। धर्म कर्म लेखन ज्योतिष इन सब चीजों में भी आपका ध्यान लगेगा, ईश्वर की भक्ति में भी ध्यान लगेगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आप किसी का दिल चुरा सकते हैं या कोई आपका दिल भी चुरा सकता है इस समय में, यानी प्यार मोहब्बत की कोई शुरुआत हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में या सरकारी कर्मचारी जो है उनके रिश्ते बढ़िया होंगे, किससे बढ़िया होंगे, अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से। आपके रुके हुए काम, सरकारी काम, अटके हुए काम पूरे होंगे, कोर्ट कचहरी के काम पूरे होंगे, आपकी तरक्की का बढ़िया वक्त है, सरकारी लोगों के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी। व्यापार में लाभ के संकेत हैं, साझेदारी कोई व्यापार में अगर आप करते हैं तो वो भी अच्छी रहने वाली है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या उसके जानकार हैं, अच्छा समय हो सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको सफलताएं मिलेगी, उच्च शिक्षा की जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन के रास्ते खुल जाएंगे। भले ही अभी घर से पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होगा तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। व्यापार के माध्यम से आपकी तरक्की होगी, व्यापार में कुछ नई डील्स वगैरह हो सकती हैं, धन आगमन के रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देंगे। जो आपके अंदर अवगुण थे, जिनको आप मजबूरी में करना चाहते थे लेकिन मजबूरी थी क्योंकि बहुत सारे दुख तकलीफें थी, अभी तक नहीं कर पा रहे थे खुद में चेंजेस, अब वक्त आपके पक्ष में आएगा तो आप बाकी चीज़ों को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, अपने व्यक्तित्व में निखार लेकर आ जाएंगे, आप एक वेल ग्रूम्ड महिला पुरुष हो जाएंगे, यानी कि एकदम बढ़िया, जो सामने वाला इंसान देखेगा तो कहेगा वाह एकदम से आपने क्या किया कि आपकी तो चमक धमक ही बदल गई और काम में भी निखार आ गया, वाणी में भी निखार आ गई, बहुत बढ़िया। आप पिछले बुरे दिन लगभग लगभग बीतते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, आपकी आशा की किरण दिखाने आ रहे हैं गुरुदेव। आप अगर नया कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ में, कोई घमंड अहंकार या लापरवाही बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। लगाएं, समझदारी से लगाएं, सफलताएं मिलेंगी, मौका अच्छा है, आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, कोई लॉटरी वॉटरी निकल गई कहीं से, किसी से कोई पैसा मिल गया, कुछ भी इस तरीके का भी हो सकता है। मैंने बताया आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपकी जो भी फील्ड है, अब आप कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई हवाई जहाज चलाता होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई फैशन की दुनिया से होगा, अनेक क्षेत्र में आप लोग जुड़े होंगे, कोई सीए होगा, जो भी फील्ड है आपकी, उस फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी छोटी बड़ी अनेक समस्याएं समाप्त होंगी, आपके रिश्ते सहकर्मी और बॉस से अच्छे रहेंगे, सब कुछ आपके लिए बेहतर करेंगे, आपकी हर परेशानी से निपटने का तरीका आपको दिखाने जा रहे हैं गुरुदेव। समस्याएं नहीं आएंगी ऐसा नहीं है, समस्याएं आएंगी लेकिन समाधान है, परेशानी आई सॉल्व कर लिया तो परेशानी खत्म हो गई, फिर डर काहे का। यदि कुछ लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं इस समय में, या जिनका द्वितीय विवाह का कोई ऐसा संयोग है करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लाभ का समय है। 100 की बात 100 की एक बात, इधर उधर की बातों को घुमाओ नहीं, सीधे मुद्दे पे आ जाओ। तो मैं आपको एक ही बात बताऊं, अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश में, नया कैरियर शुरू करना चाहते हैं, संतान सुख की इच्छा रखते हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, विदेश जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, या विदेश से जुड़कर किसी भी तरीके का शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, या फिर बिजनेस वगैरह की कोई बात हो, या वहाँ पर कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, या पीआरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, परिवार में सुख चाहते हैं, आप बड़ा घर चाहते हैं, बड़ा ऑफिस चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं इंसान की, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को शादी करना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, तो जो, या आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो उससे मुक्ति चाहते हैं, या किसी कर्जे में दबे हुए हैं तो कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, या आप किसी टेंशन में है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, उन सबको आसान कर देंगे गुरुदेव। अब हर जगह से आपको राहत मिलने वाली है, शत्रु भी शांत होगा और अच्छे अच्छे मित्र भी आपके बनते चले जाएंगे, वक्त आपके पक्ष में धीरे धीरे आता चला जाएगा, जहां आप पहले
10 समस्याओं से लड़ रहे थे, इस समय में आपको 2-3 समस्याओं से ही लड़ना पड़ेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और यही आपके लिए राहत की बात है, यही आपके लिए खुशी की बात है। इस गोचर में बहुत दिनों की परेशानियां धीरे धीरे अब समाप्ति की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना तो आपको देखिए करनी है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसके साथ साथ में गुरुदेव की उपासना करिए, यानी देव गुरु बृहस्पति की उपासना करिए, अपने पिताजी की सेवा करिए, साथ ही साथ भगवान विष्णु की आराधना करिए, आपको लाभ होगा। बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करिए, बृहस्पतिवार को गरीब ब्राह्मण या गरीब लोगों को पीले चावल खिलाइए, इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है या आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति गड़बड़ है तो आपको शायद इस गोचर का फल उतना बेहतर ना मिले जितना मिलना चाहिए, तो उसके लिए जन्म कुंडली को दिखाना जरूरी है और जब दिखाएंगे तो उसका सही सटीक उपाय आपको पता चलेगा आपकी कुंडली के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से। तो जन्म कुंडली और गोचर का साथ मिल जाएगा तो 100% लाभ की गारंटी हो जाती है। तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और मैं ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करूंगा। हरिओम, नमस्कार।